ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, यहाँ शहर के लोग भी बड़े अजीब हैं, कुछ समझ नहीं आता इन लोगों। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे यार देखो ना, पूरा दिन सोते हैं, रात में जागते हैं। हाँ तो गांव में इसका उल्टा है ना, लोग दिन को जागते और रात को सो जाते। अरे बाबा, कुदरत का निजाम भी तो यही है ना, कि रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए, जागने के लिए। अरे बच्चू बस करो, शहर में रहता है यार, अभी तक तेरे दिमाग में गाँव बसा हुआ है, बाहर आ जा वहाँ से। सही कह रहा है। अरे यार क्या सही कह रहा है। अरे यार अपने मैनेजर को देखो, तुम नौकर और वो मालिक लगता है। अरे बाबा इसमें क्या है, पेंट शर्ट तो मैं भी पहन सकता हूँ बाबा, उसमें ना मेरा दम घुटता है। आ बाबा उड़ा लो मजाक, उड़ा लो मजाक। अरे नहीं यार, दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है। चलो यार अब हम चलते हैं। अरे बाबा रुको ना, खाना पानी पी कर जाओ। नहीं यार फिर सही इंशाल्लाह। अच्छा चलो मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को, चलो बाबा चलो, तुम्हारी मर्जी है, चलो। अच्छा बाबा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, अगली दफा खाना खा कर जाना बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बाबा तुम कौन हो? मैं ग्वालन हूँ, दूध बेचती हूँ। अरे बाबा तुम दूध बेचती हो, वाह तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? अरे बाबा मैं भी तुम्हारी बिरादरी का ही बंदा हूँ। तुम भी दूध बेचते हो? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरे अपने बाड़े हैं और शहर में हमारी एक फैक्ट्री है। क्या अजीब दुनिया, आपके अपने बाड़े हैं? और मेरी दो भैंसे थी वो भी चोरी हो गई और मैं कहीं की नहीं रही। अरे बाबा क्या मतलब है कहीं की, तुम्हारा कोई और नहीं है क्या? नहीं, मेरा बाप था, वो दो भैंसे मुझे देकर गया और वो भी चोरी हो गई और मालिक मकान ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अरे बाबा ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अफसोस तो सब करते हैं पर मदद कोई नहीं करता। अरे ऐसी बात नहीं है बाबा, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा तुम गलत मत समझो, ये पीछे जो है ना ये मेरा अपना घर है बाबा, इसमें मेरी पूरी फैमिली रहती है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या मतलब है साहब के कुछ ना कुछ हो जाएगा? अरे बाबा तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, तनख्वाह भी मिलेगी और रहने को भी मिल जाएगा। आपके घर में औरतें हैं ना? अरे हाँ हाँ बाबा हाँ, मेरी एक बीवी है और एक बहन है, अब तसल्ली हो गई, चलो मेरे साथ। ठीक है अब मैं चल सकती हूँ। आ जाओ बाबा आ जाओ, ये मैं उठा लेता हूँ, आ जाओ आ जाओ, जरा देख कर बाबा। बच्चू भाई ये कौन है? अरे बाबा इसका नाम क्या नाम है, अपना नाम बता दो। जी मेरा नाम जमीला है। वाह कितना अच्छा और प्यारा नाम है, वाह। अच्छा तो ये आपकी मेहमान है? अरे नहीं बाबा मेरी मेहमान नहीं है, मैंने इसको रखा है घर के काम काज। क्या मतलब, ये घर के काम करेगी तो मैं क्या करूँगा? अरे बाबा दोनों बहन भाई मिलकर काम कर लेना ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई बहन बहन नहीं है और ना मैं किसी को मनाता हूँ। अच्छा बाबा बहन जैसी समझ कर काम कर लेना। बहन जैसी, देखें मैं जो समझना होगा समझ लूंगा, आप कुछ मत बोले। ये कौन है? जी जमीला। कौन जमीला, किसकी जमीला? अरे बाबा मैंने इसको घर के काम के लिए रखा है। काम? किस काम पर? बाबा घर के काम काज के लिए। क्यों, ये जाने कहीं जा रहा है क्या? यही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे बाबा इसका काम बहुत है घर में, इसलिए इसका हाथ बटाने के लिए मैंने इसको रख लिया। वाह वाह वाह, बड़ी फिक्र हो रही है जानी की आज। बाबा फिक्र तो करनी पड़ती है ना, जैसा भी है तो अपने घर का फर्द ही ना। पहली बार दिल चाह रहा है आपका मुंह चूम लूं, लेकिन मुंह देख के ना इरादा मुलतवी कर दिया मैंने। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? क्यों बीबी, तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? नहीं ना बाबा, तभी तो रखा है इसको इसलिए।
अब खैर तुम परेशान मत हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता। आजा। ये तो मेरे कमरे में चली गई, ये मेरे कमरे में रहेगी तो मैं कहाँ रहूंगा सीमा बीबी? तो हमने रहने की पड़ी है, किचन में सो जाना जाके। इंसान का बच्चा हूँ, चूहे का थोड़ी। यार कोई मुझे इंसान ही नहीं समझ रहा। क्या तुम टहल रहे हो फालतू में, कोई तो काम कर लो, ऑफिस का ही काम कर लो। इधर मेरी नौकरी को खतरा है, आपको काम की पड़ी हुई है। जानी मैं ना बहुत सोच समझ के ये बात बोल रही हूँ, अगर इस लड़की ने घर का काम अच्छे से संभाल लिया तो बच्चू तो तुम्हें लात मारकर निकाल देगा है, फिर सिर्फ रह जाएगा ऑफिस का काम और घर का रहना सहना ये सब तो खत्म। कैसी खौफनाक बातें कर रही है, इतनी मासूम सूरत पे ऐसी ऐसी खुराफात निकलेंगी मैंने सोचा नहीं था। जानी ठीक कह रहा हूँ मैं आपको, बजाइए कि मेरा आप हौसला बढ़ाएं, उल्टा मुझे डरा रही हो आप। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या क्या? देखो क्यों ना हम बच्चों को इस बात पे कायल कर लें कि ये लड़की यहाँ काम करने के लायक ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। है तो प्यारी है, तुम बच्चों को इस बात पर कायल कर लो कि ये लड़की जो है ना इतनी प्यारी है, इससे आप ऐसे काम करवाएंगे? मेरा तो दिल करता है अल्लाह कोई प्यारी हो जाए। ओहो ऐसे नहीं कहते, देखो प्यारी है ना तो तुम बच्चों को अगर इस बात पर कायल कर लो कि बच्चों साहब आप इतनी प्यारी लड़की से ऐसे काम करवाएंगे हैं। वाह क्या बात की है, वाह वाह वाह। तो ना ही होगा काम और ना रहने का जवाब बनेगा, कैसा? बहुत ही जबरदस्त आइडिया, मैं अभी जाके ये काम कर देता हूँ। वाह बाबा वाह क्या बात है। बच्चू भाई एक मिनट रुको, बाबा एक मिनट रुको। हाँ बाबा बोलो। बच्चू भाई एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। अच्छा बाबा ठीक है फिर जाओ। कहाँ जाओ? अरे बाबा तुमने कहा ना जरूरी बात करनी थी, अब करनी तो नहीं है ना, अब जाओ मुझे टीवी देखने दो। ओहो मेरा मतलब ये था कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बस अब खुश? हाँ बाबा अच्छा फिर ठीक है बोलो, लेकिन एक बात याद रखो जमीला के बारे में मैं कोई बुराई नहीं सुनूंगा। क्या बात है बड़ी जल्दी फिदा हो गए आप तो। क्या बोला बाबा? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब बोलो बाबा क्या बात करनी है। देखिए बच्चों साहब वो जो जमीला है ना। बाबा मैंने तुम्हें कहा था जमीला के बारे में मैं कोई बुराई नहीं सुनूंगा। अभी तो कुछ उसने पिलाया नहीं है, जो ये भी बोल सकूंगा कुछ खोल के पिला दिया। अरे बाबा ये तो मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो। बच्चों साहब मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, आप मेरी बात तो गौर से सुने। हाँ बाबा बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था जमीला बहुत प्यारी खातून है, मुझसे ज्यादा तो आपने वैसे उसको गौर से देखा होगा। अब इतनी प्यारी लड़की से घर के बर्तन धुलवाना कपड़े धुलवाना ठीक नहीं लग रहा। ठीक है बाबा तो फिर ये सब काम ना करवाओ उसे, उसको सिर्फ खाना पकाने के लिए बोलो। वाह 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 कमाल कर दिया आपने, बेचारी मासूम सी तो है, दिन भर किचन में रहेगी, हुस्न तो उसका बर्बाद हो जाएगा, मेरा क्या, मैं तो बोल दूंगा उसको। वैसे जमाने ने क्या कम जुल्म की जो आप करने जा रहे, तो इसका गुनाह आपके सर आ जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा क्या, मैं तो अभी बोल देता हूँ, अभी उससे खाना बनवा लेता हूँ। जमीला जमीला। अरे बस बाबा चुप रुक जा, वैसे बात तो तुम ठीक करते, आप तो मुझे शुरू से जानते हो, मैं तो बात करता ही ठीक हूँ। ठीक है बाबा फिर वो घर के काम नहीं करेगी। शुक्रिया बच्चू साहब, तो फिर मैं उसको बोल दूं कि वो यहाँ से जाए। अरे बाबा पागल हो गया क्या, घर के काम ना करने का मकसद ये थोड़ी है कि वो घर से चली जाए। बाबा वो काम नहीं करेगी लेकिन रहेगी इसी घर में। जैसे आपकी मर्जी, मेरी तो नौकरी बची है, मेरा मतलब है मेरी आखिरत तो बच गई ना एक गुना रोक कर। हाँ बाबा ठीक है जाओ बाबा जाओ टीवी देख। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। आप मेरा कितना ख्याल कर रहे हैं। अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं है, देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूंगा कि दुनिया देखेगी बाबा। सच में? अरे बाबा तुम्हारी जान की कसम। आओ सीमा आओ। मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे? अरे बाबा क्यों नहीं, बैठो बाबा बैठो, मैं तो तुम्हें बुलाने वाला था। बच्चू मैं ना ये सब देख रही हूँ। बाबा मैं इसे यही समझा रहा था अभी कि मैं इसके लिए ऐसा कुछ करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। जरूरी काम है मुझे, जा रही हूँ मैं। अरे बाबा इतनी जल्दी चली गई है घर से बाहर, अल्लाह खैर करे। अच्छा सब छोड़ो तुम बताओगे कुछ खाओगी, अभी ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। भूख लग रही है बहुत। हाँ ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय।
जानी जी जी, ये कौन छोकरी जो सुबह से अदा के साथ घूम रही है पूरे घर में? ये शायद आपकी होने वाली। होने वाली क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरानी, वो तो बच्चू भाई ने मना कर दिया। नौकरानी, बच्चू भाई ने मना कर दिया? ओहो, भला तुमको क्या हो गया है? ये बोर्डम के साथ वक्त गुजार गुजार के ना तुम्हारा भी दिमाग ना खराब हो गया है। ओ, तभी से बोर्डम नहीं होता, और वैसे भी मैडम होता है। मैडम तो उनके लिए होता है जो होती है, तुम तो मेरे लिए बोर्डम ही हो। बोर्डम 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 खराब है, इसने मजीद खराब कर दिया। नहीं पीनी चाय। अरे मैडम इसको छोड़े, बच्चू साहब का सोचे। क्या सोचूं? एक काम कहा था कि उस लड़की को भगा दो, तुम ही सारा काम उल्टा करके आ गए हो। एक तो आइडिया आपका, मुझे क्या पता कि ये उल्टा पड़ जाएगा। जानी मुझे ना बहुत बहुत डर लग रहा है, मगर बच्चों ने दूसरी। प्लीज मैडम शक ना करें, कंफर्म करें, फिर आप एक कत्ल करें या दो, खाना मैं वक्त पर जेल पिलाऊंगा, ये वादा रहा। जानी मैडम आई एम सीरियस, फजूल में शक ना करें, तस्दीक करें। मेरा तो सब कुछ लूट गया। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोलते, मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि वो मेरा वादा तुम्हें याद है ना, जो मैंने अकेले में किया था कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा बाबा। तो रोती क्यों हो बाबा? ये लो बाबा, एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, फूल देखोगी ना तो दिल बहल जाएगा। हैं? चल चल बाबा चल। अच्छा तुम दोनों मिलके मेरे अदा की जासूसी कर रहे हो, अभी जाके बताती हूँ। नहीं 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 बहनी, अब तुम देख नहीं रही तुम्हारा अदा कैसी हरकतें कर रहा है? अरे चली दीवार को उधर से भला मैं कैसे देख सकती हूँ? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, देख नहीं रही? बच्चू साहब कैसी मेहरबानी कर रहे हैं। जी नहीं, मुझे मेरे अदा पे पूरा भरोसा है, मेरा अदा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर हमारे साथ आप रुक जाएं, फिर आपको पता चलेगा बच्चू भाई के लक्षण। आओ आओ मेरे साथ। ये लो। बहुत अच्छा है ना? तुम्हें पता है जब तुम हंसती हो ना तो दिल खुश हो जाता है। पापा काम करते हैं, अंदर चलते हैं, तुम थक गई होगी ना, है ना? चलो चल, चल, चल। देख ली अपनी हदा की हरकतें तुमने, और तुम क्या खड़े देख रहे हो? चलो तुम्हारे रहने का सहने का सामान सब चला जाएगा, चलो यहां से। अरे बाबा सीमा, ओ सीमा कहाँ रह गई हो? बाबा खाना लगा हुआ है, आ जाओ। जानी, ओ जानी। आया जी जनाब। जी बच्चू साहब। अरे बाबा सीमा मैडम को बुला के लाओ ना, खाना लगा है, कब आएगी, कहाँ है वो बाबा? अच्छा मैं अभी बुला के लाता हूँ। हाँ बाबा जाओ। अरे जमीला क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे मेरा घर याद आ गया। अरे बाबा मैंने तुम्हें कहा था ना कि परेशान नहीं होना है, तुम्हें यहाँ प्यार मिलेगा कि तुम पुराना मजी भूल जाओगी अपना। ये लो बाबा ये कब। बाबा ये देखो बाबा, अब खुश रहो बाबा। अरे बाबा सीमा तुम किधर रह गई थी बाबा? खाना इंतजार कर रहा, आओ बैठो, खाना खाओ ना। क्यों कर रहे हो, तुम तो अपनों के साथ बैठे हो है? और वैसे भी भूख नहीं है मुझे। अरे बाबा इसको क्या हो गया है? सर जी अगर आप कहें एक ने वाला मैं भी खिला दूं, हो सकता है इनके गमों में कुछ कमी हो जाए। जानी क्यों भला तुम्हें क्या खिलाने की जरूरत है जब मैं बैठी हुई हूँ तो? क्या मतलब? मतलब ये है कि माना कि ये खूबसूरत है लेकिन मुझसे कम, समझे तुम? अरे यदि तू क्यों नाराज होती है, ये ले भाई के हाथ से, तू भी खा ले बाबा, तू भी खा ले, ये ले बाबा ये ले। बाबा तब मजा आ गया। अच्छा जमीला जल्दी से खाना खा लो बाबा, इसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। शाबाश खा लो खा लो खा जा, अदी तू भी खाना, तुम जाओ बाबा जाओ। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। ओहो फिकर नहीं करो, हाँ हाँ बस मैं पहुंच रही हूँ पहुंच रही हूँ। अरे वो मैडम मैडम देखा वो तो निमाले अपने हाथों से खिला रहे थे। और तो होश में तो हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। ऐसे तो मुझे
वैसे वैसे भी भैया मस्ती मजाक नहीं, लेकिन बात शादी तक पहुंच गई है। रोके रोके उन्हें। अभी नहीं, मैं एन शादी के वक्त पर धावा बोलूंगी, सिक्की तैसी कर दूंगी, उनकी धजिया उड़ा दूंगी मैं। हाँ। जो दूध वाला है अपने आप को क्या शेख समझता है कहीं का? शेख उनकी तो एक है। ओ, मैं अरबी वाले शेखों की बात कर रही हूँ, वो वाले शेख। खैर मैं काम से जा रही हूँ, तुम नजर रखो। नजर रखो। सब कुछ ले लिया। बाबा सब ले लिया है ना? हाँ। बस अब एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, काजी साहब भी आने वाले होंगे। ठीक है, आप भी तैयार हो जाए। अरे बाबा मैं क्यों नहीं हूँ, मैं तो तुमसे जल्दी तैयार हो जाऊंगा। मैं जरा दोस्तों को देखूं उन्होंने लाना है काजी साहब। ठीक। अरे बाबा तुम बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कितनी देर लगेगी? अब काजी साहब बस 5 मिनट और बस। रुक जाए, ये शादी नहीं हो सकती। अरे बाबा सीमा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया, होश में हो तुम? अरे बाबा ये शादी होगी 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 होगी। वाह मेरी अदी वाह, ये हुई ना बात। सीमा तुम इस मामले में बीच में बिल्कुल मत बोलो बाबा। क्या मतलब? क्यों ना बोलूं? मैं बोलूंगी बोलूंगी, बल्कि मैं जाएंगा मुंह भी नोच लूंगी। सीमा तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो अब। हद से मैं बहुत जा रही हूँ? हाँ मैं जाऊंगी, बल्कि मैं पुलिस आने जाऊंगी और रिपोर्ट कराऊंगी। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। धोखा? बाबा कैसा धोखा? बड़े मासूम बन रहे हो हैं? पहली बीवी के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? हाँ बाबा कैसे कर सकता हूँ मैं दूसरी शादी तुम्हारे होते हुए बाबा, लेकिन ये कर कौन रहा है? तो ये सब क्या हो रहा है? अरे बाबा ये तो जमीला की शादी हो रही है। अच्छा तो किससे काजी साहब से करेगी क्या ये शादी? अरे बाबा ये जब मुझे मिली है ना तो ये बहुत गमजदा थी, फिर मुझे पता चला कि ये दूध वाली है, तो मैंने उसी वक्त इसको अपनी बहन बना लिया और मैंने इससे वादा किया कि इसको कभी भी अपनों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बाबा ये एक लड़के को पसंद करती है। अच्छा तो इसका दूल्हा कहाँ है? अरे बाबा रास्ते में है, बस 5 मिनट में आ रहा है। हाँ बच्चू भाई ने कसम खाई थी कि मुझे कभी भी मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अरे नहीं बाबा, इसकी शादी उस लड़के से भी नहीं हो सकती। अरे जरीना अब क्या हो गया? अरे बाबा जब सगी बहन तुम्हारी घर में बैठी हुई है तो इस लड़की की शादी उससे क्यों करा रहे हो? अरे बाबा इससे तो लड़का राजी हो गया ना शादी करने के लिए, तेरे से तो कोई राजी नहीं होता शादी करने के लिए। अच्छा एक बात बता, तुझे जो लड़का पसंद है ना मुझे बता, मैं उससे तेरी शादी कराऊंगा। पक्का? तुम मेरी शादी उसी से कराओगे? हाँ बाबा वादा, पक्का वादा। ठीक है तो फिर ऐसा करो कि तुम ना मेरी शादी जो ना जानी से करा दो। अरे बाबा जानी तुम्हें कबूल है क्या? तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाएगा। अरे बाबा जानी किधर गया बाबा? अरे बाबा पकड़ो, देखो किधर भागा है, पकड़ो। काजी साहब आप किधर जा रहे हो? लाता हूँ बाबा। बैल रेसे? आप बैल तो नहीं है लेकिन गधे। अरे बाबा बैल खुद थोड़ी भागता है, उसको भगाना पड़ता है और मैं भगाता था। पर बच्चों ये तो बड़ा खतरनाक गेम है, इसमें तो इंसान की जान भी जा सकती है। रेस की वजह से आ रही थी ना याद? लेकिन बाबा सही अब रेस छोड़कर ही शहर क्यों आ गए हैं? बाबा बात सुनो, इस मर्तबा मैंने एक फैसला किया है कि रेस जो है ना अब मैं वो शहर में कराऊंगा। क्या नया अजाब आ गया है? है लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी। क्यों ना हम बच्चों को जज बना दें? कर रही है। अरे बाबा बच्चू मैट्रिक पास भी नहीं है, वो कुतवाल बनने के काबिल भी नहीं है और तुम कह रही हो वो जज बना। मैंने पहले ही आपको कहा था ये चरी है। मैं कभी बैल के करीब नहीं गया, आप कह रहे हो उसके ऊपर बैठ के रेस में हिस्सा लूं और उसको भगाओ तो अबा। ओहो तो इसमें कौन सी बड़ी बात, बच्चों तो तुम्हें पता है हर साल रेस में हिस्सा लेता है। अरे वो गांव के आदमी है, मैं शहर का बंदा हूँ। मोला दाद और बचू आए तो कहना रेस चाहे गांव में हो या शहर में, जीतूंगा मैं ही। मैं बोल दूंगा भाई, मरने की क्या जरूरत है, पहले शादी तो हो जाए। मैं कभी भी तुझसे शादी नहीं करूंगी, देख लेना रेस में जानी ही जीतेगा और मैं जानी से शादी करूंगी। ये कौन है जिसको तू जानी कह रही है? अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जा।